हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रिलेटेड आपके कोर्स है। जो बच्चे बीए प्रोग्राम ऑनर्स कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एसएल रेगुलर से और जो उनके कोर्स में सेमेस्टर वन फर्स्ट ईयर में है, जो यानी कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल से सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया, जो कि आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम है सेमेस्टर वन के। तो उनके कोर्स में जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सिस्टमेटिकली पढ़ाऊंगा हिस्ट्री को, तो मैं आज प्राचीन इतिहास से आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की कठिनाइयां और विशेषता का अध्ययन का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपके कोर्स में क्या आने वाला है इतिहास में सेमेस्टर वन में, तो प्लीज उसको विजिट करें। और उसमें मैंने ये भी बताया कि किस तरह से मैं सिस्टमेटिकली आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा आपके सिलेबस की, आपके कोर्स की, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीडियो मैं आपको आज लेके आया हूँ आपके लिए, जो है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की कठिनाइयां और विशेषता। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं अपने कोर्स जो है अपने चैनल पर जो कराता हूँ वो सिस्टमेटिकली है, और मैं आपके लिए जो लेके आऊंगा इस बार कोर्स, वो पॉलिटिकल साइंस, ईवीएस, हिस्ट्री है ना, और ज्योग्राफी का कोर्स मेनली है। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भी बच्चे मेरे को डिमांड कर रहे हैं कमेंट में, तो मैं उनके लिए भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं हिंदी और इंग्लिश का कोर्स भी आपको कराऊं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय सभ्यता संसार की सबसे बड़ी सभ्यता व प्राचीन सभ्यता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि भारतीय इतिहास लेखन की क्या समस्या आई है, क्या कठिनाई है, यानी भारत के इतिहास को लिखने में हमारे इतिहासकारों के सामने क्या कठिनाई आई थी और भारतीय इतिहास की विशेषता क्या है, ठीक है ना। देखिए, भारतीय इतिहास संसार की सबसे बड़ी व प्राचीनतम सभ्यता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसे जो है चीन एवं यूनानी सभ्यता से भी प्राचीन माना जाता है, यानी चीन से और यूनान से भी ज्यादा प्राचीन सभ्यता भारत की सभ्यता है। प्राचीन समय में भारत को कई बार उत्थान और पतन का सामना करना पड़ा, यानी अप्स एंड डाउन देखने पड़े। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में काफी अप्स एंड डाउन से काफी भारत ने दूसरे देशों के लोगों से लड़ाई करी, काफी युद्ध हुए, ठीक है ना। कितना बड़ा काल माना जाता है भारतीय पुराना, तो प्राचीन समय में भारत को कई उत्थान और पतन का सामना करना पड़ा, इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में कई बड़े अंतराल दिखाई देते हैं। देखिए, जब समस्या आती है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं, जब अप्स एंड डाउन आते हैं, तो उस समय इतिहासकार जो है यानी प्राचीन लोग जो है इतिहास को लिखना भूल जाते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो उस समय के जो अंतराल है उसी वजह से हमारे सामने समस्या आती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कैसे करें, उसके बारे में कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, ठीक है ना। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन सरल नहीं है। निसंदेह प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में अनेक समस्याएं थी। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बहुत समस्याएं थी, फिर भी प्राचीन भारतीय इतिहास लेखकों ने इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखे। यानी जो प्राचीन इतिहासकार हैं भारत के, यानी जो इतिहास लिखते हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने लगातार इस दिशा में काम करते रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दे सकें। इतिहास लेखन के प्रति भारतीयों की अरुचि के बाद भी, यानी भारत के लोगों को रुचि नहीं थी। ये कहा जाता है कि भारत के इतिहासकारों में या भारत के पुराने लोगों में, मनुष्य में इतिहास को लिखने की रुचि नहीं थी, वो नहीं चाहता कि वो इतिहास लिखे, ठीक है ना, आने वाली पीढ़ी के लिए, या उसके विशाल ऐतिहासिक साम्राज्य, यहाँ सॉरी, इतिहास लेखन के प्रति भारतीयों की अरुचि बात भी यहाँ पर लेखन हेतु विशाल ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध थी। यानी कि जब वो नहीं चाहते कि वो लिखे, उसके बाद भी काफी ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर लिखा, ठीक है ना, जिससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसका विद्वानों ने समय समय पर प्रयोग किया है। परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के अध्ययन के समय निम्न कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा या सामने आई। यानी कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत के लोग जो प्राचीन भारतीय इतिहासकार थे, वो इतिहास को नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काफी चीजें ऐसी लिखी जिससे कि हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जो हमारे सामने समस्या आई है, कठिनाई आई है, उसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या कठिनाइयां, क्या परेशानी सामने आई है। देखिए, पहली जो है, एक घटना का विभिन्न विभिन्न वर्णन या भिन्न भिन्न वर्णन कह सकते हैं कि किस तरह से एक ही घटना को दो या तीन तरीके से बताया गया है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहासकारों ने एक ही घटना का दो विभिन्न पद्धतियों से वर्णन किया है, जो इतिहास के पाठकों के लिए एक विभिन्न या विचित्र समस्या बन जाती है। देखिए, आप समझ रहे हैं कि जैसे एक ही चीज है उसको दो बार वर्णन करा है, यानी एक ही बात को उन्होंने दो या दो से अधिक तरीके से बताया कि इस तरह से हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों को समस्या आती है कि किसकी बात सच माने या कौन सी बात सही है। इसके कारण विद्वान घटना के सही प्रारूप को नहीं जान पाते, यानी जो इतिहासकार हैं जब इतिहास लिखते हैं या इतिहास को बनाते हैं,
हमारे लिए, तो हम वो उनके सामने समस्या आती है कि किस पद्धति को या किस तरीके को सही माने, या कौन सा जो इतिहासकार में वर्णन हुआ है इतिहास में उसको सही माने, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है निश्चित कालक्रम का अभाव। ये बहुत मेन समस्या है, देखिए यह एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका सभी विद्वानों और इतिहासकारों ने सामना किया। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के मध्य काफी लंबे अंतराल पाए जाते हैं जिसके कारण कालक्रम को निर्धारित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। देखिए अगर कोई चीज सिस्टमेटिकली हो, पैटर्न में हो, एक के बाद एक हो रही हो, तो उसे समझना आसान होता है, लेकिन अगर उसके बीच में जो अंतराल होते हैं, जैसे किसी घटना का वर्णन करते समय उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताया ही नहीं, फिर उसके आने वाली घटनाओं के बारे में बताया, तो उसके बारे में पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके बारे में इतिहास लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इतिहासकारों के सामने यही समस्या थी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए जिसकी वजह से वहाँ पर अंतराल पैदा हो गए, लंबे लंबे गैप पैदा हो गए, जिसकी वजह से लिखना उनके लिए बहुत मुश्किल रहा। तीसरा पॉइंट आता है स्थलों के पहचान की समस्या। देखिए स्थलों की समुचित पहचान करना एक अन्य समस्या है, यानी क्या कौन से स्थल थे जिसमें ये घटना हुई, कहाँ पर ये युद्ध हुआ, इस तरह के स्थलों की पहचान करना एक कठिन समस्या थी। इतिहास के समुचित अध्ययन के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इतिहास के जो अध्ययन अगर हम करना चाहें तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्थलों की पहचान। कई वर्णनों में महत्वपूर्ण स्थानों के नाम घटना के घटित होने के स्थान पर आधारित हैं। जैसे कई घटनाओं के, अगर कोई घटना कहीं पर हुई है तो उसके वहां पर जो स्थान है उसके उसमें वर्णन किया गया है उस स्थान का, किंतु हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद उन स्थानों के नाम भी परिवर्तित हो गए हैं, तो जिस वजह से वहाँ के इतिहासकारों को, हमारे भारतीय इतिहासकारों को ये समस्या आई कि उस समय इतिहास में जो नाम बताए गए वो अलग है और इस समय उस स्थान का नाम अलग है, जिसकी वजह से ये मुश्किल है तय करना कि एक्चुअल नाम क्या है, ठीक है ना, और ये किस जगह की घटना का वर्णन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो चौथा पॉइंट है वह लिपि के ज्ञान की समस्या। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है जिसका सामना इतिहासकारों को प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए समय करना पड़ा। जब देखिए प्राचीन भारतीय इतिहासकार जब प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे, तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आई है। जैसे ऐतिहासिक सामग्री विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। देखिए ऐसी भाषाओं में सामग्री मिली है हमारे इतिहास की जिसे पढ़ना मुश्किल है, जिस भाषा को पढ़ना मुश्किल है, और इतिहासकार के लिए सभी भाषाओं को ज्ञान प्राप्त करना भी मुश्किल संभव नहीं है, यानी मुश्किल है। इसलिए जब कभी ऐतिहासिक सामग्री ऐसी भाषा में उपलब्ध होती है कि उनको पढ़ा नहीं जा सकता, तो उस उपलब्ध सामग्री का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। हड़प्पा लिपि को हम इसी संदर्भ में रख सकते हैं। देखिए जब हमें ऐसी चीजें मिलती है इतिहास में जो हम नहीं पढ़ सकते, तो इतिहासकारों के सामने समस्या आती है कि इतिहास का निर्माण या इतिहास को कैसे लिखा जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से वो वेस्ट है, वो चीज वेस्ट होती है जो हमें ऐसी भाषा में मिलती है जिसे हम नहीं पढ़ सकते। हड़प्पा लिपि भी इसी संदर्भ में या इसका एग्जाम्पल हो सकती है। अगला पॉइंट है, अगली समस्या जो है वो है उपलब्ध सामग्री के संग्रह की समस्या। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की एक गंभीर समस्या है। ये बहुत एक गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि भारत का इतिहास बहुत विशाल है और इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री विभिन्न स्थानों पर फैली हुई है। देखिए इतिहास हमारा इतना बड़ा है कि हमारी जो इतिहास की जो संबंधित सामग्री है, संबंधित चीजें हैं, वो अलग अलग जगहों पर बिखरी पड़ी है, जिसे खुदाई से निकालना है, खुदाई करके निकालना है। प्रत्येक खुदाई के अवसर पर समृद्ध ऐतिहासिक सामग्री मिलती है, यानी जहां पर भी खुदाई की जाती है इतिहास के सोर्सों को ढूंढने के लिए, वहां पर हमें पूरी सामग्री मिलती है, किंतु धन के अभाव के कारण, यानी पैसों की कमी के कारण, इतिहासकार सुदूर स्थानों पर, दूर दूर स्थानों पर या विदेशों में बिखरी हुई सामग्री को एकत्रित नहीं कर पाते। जैसे वो सामग्री हो सकती है ताम्रपत्र, सिक्के, कविताएं, पत्र, लोकगीत आदि को एकत्रित नहीं कर पाते। अतः कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह अत्यंत कठिन कार्य है, ठीक है ना। तो मैं आगे बताता हूं आपको अगला समस्या क्या आती है। देखिए स्टूडेंट्स, समस्याएं तो इतिहास लेखन की खत्म हो गई है। अब हम शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की विशेषता क्या है। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये उसी के साथ इंक्लूड होकर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की विशेषताएं प्राचीन लेखकों के अनुसार निम्न प्रकार से हैं, ठीक है ना। पहला, धार्मिक दर्शन का साहित्य। देखिए धार्मिक दर्शन की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहासकारों व विद्वानों ने अनेकों साहित्य की रचना की है। देखिए अगर धर्म की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में या हमारे भारतीय इतिहास में देखिए काफी धार्मिक चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। धर्म, धार्मिक प्रथाओं,
कर्म और धार्मिक क्रियाओं विधियों के बारे में पर्याप्त लेखन कार्य प्राचीन युग में किया गया है। सारी चीजें बताई हैं कि किस तरह से धार्मिक कार्य होते थे, धार्मिक प्रथाएं क्या थी, कर्म क्या थे, धार्मिक क्रियाएं कैसे की जाती थी, पूजा पाठ कैसे किया जाता था, किस तरह से है ना धर्म को माना जाता था, कितने धर्म थे, कितने प्रकार के धर्म थे, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, सब कुछ बताया गया है। इन विद्वानों ने आत्मा परमात्मा और धर्म को अवधारणा धर्म की अवधारणा के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है ना, इन विद्वानों ने इतिहासकारों ने बताया कि आत्मा परमात्मा में लोग विश्वास करते थे, धर्म की अवधारणा क्या थी, इन सब के बारे में बताया है। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरे नंबर की विशेषता है शाही संरक्षण में इतिहास लेखन। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहासकारों में से अनेकों इतिहासकारों को शाही दरबार का संरक्षण प्राप्त था, यानी राजा महाराजा के अंडर में रहकर वो अपने धार्मिक कार्य इतिहास का निर्माण करते थे, धार्मिक इतिहासों को लिखते थे। ठीक है ना, इन्हीं संरक्षण में उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये एक शाही संरक्षण में इतिहास लेखन एक विशेषता है। दूसरा अगला आता तीसरा शाही दरबार का वर्णन। देखिए प्राचीन भारत में इतिहासकारों को शाही दरबार का संरक्षण प्राप्त होने के साथ साथ आर्थिक सहायता, निवास स्थान आदि भी प्राप्त था। देखिए जब जो इतिहासकारों को जब राजा महाराजा का सपोर्ट मिलता था तो वो राजा महाराजा ने आर्थिक रूप से भी हेल्प करते थे, निवास भी देते थे, उनको खाने पीने की सारी चीजें उपलब्ध कराते, जिसके कारण अनेक उनके वर्णन में अधिकतर शाही दरबार ही होता था। यानी कि जब वो इतिहासकार अपना इतिहास लिखते थे तो ज्यादातर वो राजा महाराजाओं के बारे में ही लिखते थे, जिसके अंडर में वो रहकर वो ये रचनाएं कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसकी चकाचौंध शासकों की जीवन शैली, जिसके अंदर वो क्या लिखते थे, देखिए अब इतिहास लिख रहे हैं और जिस राजा के संरक्षण में वो इतिहास लिख रहे हैं तो उस राजा का वर्णन उस इतिहास में ज्यादा करते थे, वो उन रचनाओं में ज्यादा करते थे। तो उनमें क्या क्या बताते थे, उनके शाही दरबार के बारे में, उनकी किस तरह से वो रहते हैं, उनका रहन सहन, जीवन शैली, युद्ध उन्होंने किसके साथ कितने लड़े, युद्धों का वर्णन वो अपनी रचनाओं में करते थे। तो ये शाही दरबार का वर्णन, ये विशेषता है भारतीय प्राचीन इतिहास लेखन की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण का साहित्य। देखिए प्राचीन भारतीय लेखकों ने अपने इतिहास लेखन में मुख्य रूप से आत्मा परमात्मा, आत्मा की शुद्धता, चरित्र और नैतिक मूल्यों के संदर्भ में लिखने पर विशेष बल दिया है। देखिए इसमें कहा गया है कि प्राचीन इतिहासकारों ने अपने जो इतिहास के लेखन में आत्मा के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया, आत्मा की शुद्धता कैसे की जाती है, शुद्धि, ठीक है ना, चरित्र निर्माण कैसे होता है, नैतिक मूल्य क्या है, इन सभी के बारे में विशेष रूप से बल देकर बताया है। तो इसकी चौथी विशेषता थी। पांचवी विशेषता और अंतिम विशेषता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण का अभाव। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहासकारों में आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक गुणों का अभाव था, जिसके कारण उनके द्वारा लिखा इतिहास सिर्फ एक कथा मात्र कहा जा सकता है। देखिए उन्होंने आलोचनात्मक यानी कि किसी से कंपीट करना, किसी के बारे में गलत बोलना, मतलब जो उसकी धारणा है, उस जो इतिहासकारों की जो धारणा है, वो कहा जा सकता है कि जिसके बारे में वो लिख रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव बातें उन्होंने बताई हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव बातें जो उनके बारे में सच है वो नहीं बताई, जिसकी वजह से लगता है कि ये एक तरफा दृष्टिकोण है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक कथा मात्र, एक कहानी या एक कविता है, कुछ भी कह सकते हैं वो है। ठीक है ना, आगे आते हैं कुछ इतिहासकारों की कृतियां बता रहा हूं मैं, यानी कि इसमें मैंने बताया उदाहरण दिए कि किस के द्वारा हमें इतिहासकारों के द्वारा उनकी कृतियों के द्वारा हमारे इतिहास को जानने का मौका मिलता है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र से भी हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, यह है विल्हण का विक्रमा देव चरित्र, ये इन्होंने लिखी पुस्तक है जिसके से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का मौका मिलता है। और अगला है कलहण का राज तरंगिनी। ठीक है ना, इसमें मैं बता दूं आपको कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताया गया। तो इसके द्वारा ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का मौका मिलता है और हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषताएं पता चलती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे को लाइक करते हैं वीडियो पसंद और आप सपोर्ट करते हैं हमें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, मैं जल्दी आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊंगा। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं नए स्टूडेंट को बोल दूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ फिर आता हूँ। बाय बाय।